नहीं मिला था, लेकिन अभी हमारी सरकार ने वो बिल पास किया है, मतलब अभी हो रहा है। और संविधानिक ओबीसी कम्युनिटी पर, ओबीसी ऑफिसर पर, ओबीसी कर्मचारी पर कोई अन्याय करेगा उसको वहाँ मतलब एससी कमीशन जैसा स्टेटस मिलेगा। तो ऐसे कई निर्णय जो है हमारी सरकार ने ले लिए है। बनाकर सेपरेट कोटा तय करने की बात कही है, आप उसका समर्थन करते हैं? ठीक है, मतलब ये जो जिन लोगों को ज्यादा फायदा मिला नहीं है, ऐसे लोगों को फायदा मिलने की अच्छे भावना से उन्होंने निर्णय ले लिया है। उनको कैटेगराइजेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ जातियां जो है तो उनको मतलब ज्यादा फायदा मिलने के लिए, जिनको ज्यादा फायदा मिला है, लेकिन जिनको बिल्कुल फायदा नहीं मिल रहा है, ऐसी छोटी छोटी जातियां है उनको अलग करके उनको ज्यादा फायदा देने के संबंध में योगी सरकार ने निर्णय लिया होगा। कोई निर्णय अच्छा निर्णय है, इसमें कोई दलितों में फूट डालने का कोई विषय बिल्कुल नहीं है। मायावती जी बीजेपी के साथ 3 बार मुख्यमंत्री बीजेपी के सपोर्ट से बनी थी, तो मायावती को अभी समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया। मतलब एक नंबर वन का शत्रु मायावती का समाजवादी पार्टी थी, मुलायम सिंह का और इनका 36 का आंकड़ा था, लेकिन अभी 63 का आंकड़ा एकदम हो गया है। तो मुझे लगता है कि और 2 सीट उनकी फुलपुर और गोरखपुर की 2 सीटें चुनकर लाने के लिए मायावती ने पूरी कोशिश की, उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन राज्यसभा के चुनाव में पहले प्रेफरेंस की सीट उनको देनी चाहिए समाजवादी पार्टी ने, लेकिन दूसरे नंबर की सीट देकर वो सीट हरा दी है। तो मुझे लगता है कि मायावती के कैंडिडेट को जो भीमराव अम्बेडकर थे उनके, तो उनको मतलब पहले प्रेफरेंस की टिकट देनी चाहिए थी। तो यहाँ भी समाजवादी पार्टी ने मायावती को धोखा दे दिया है। टीम आएगी और अगर यहाँ बीजेपी और बीएसपी और आरपीआई अलायंस अगर हो जाएगा तो समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को मतलब 2-3 सीटें छोड़कर बाकी 1 भी सीट नहीं मिलेगी। अगर बीएसपी और बीजेपी एक साथ आएंगे तो एकाधिक सोनिया गांधी की सीट चुनकर आ सकती है, एकाधिक समाजवादी की आ सकती है, लेकिन राहुल गांधी की सीट हार जाएगी और ऐसा अलायंस एक बड़ा अलायंस हो सकता है। ये है कि अगर ये सपा बसपा एक साथ आएंगे तो मतलब वहाँ उनके साथ वोटिंग है, जिस तरह विधानसभा में 325 सीटें बीजेपी की चुनकर आई, लेकिन 39% वोट बीजेपी को चुनकर आता और 22% वोट मायावती का था, 22% वोट अकेले मतलब समाजवादी पार्टी का था, 10% कांग्रेस और दूसरी पार्टियों का था। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों इकट्ठ आने से कोई जो राजनीति में कोई बातें एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए घटने का कारण मतलब नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलरिटी कम हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन सपा बसपा एक साथ आएंगे तो नुकसान होता है, ऐसा भी हमने 2 सीट में देखा है। लेकिन वो 2 सीट में भी हमारा मानना ऐसा है कि लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था।